National MA733H. तो हाँ वही देख रहा हूँ मैं अभी, क्या प्रॉब्लम है वो चालू करने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना मेरे, इसलिए मैं चालू किया पहले। टूटने के वजह से वॉश नहीं हो रहा था, ये वॉश हो रहा है। इसको कितना साल हो, इसको बहुत साल हो गया बेल्ट को भी। मैं एक ही बेल्ट आता है, मोटर ना और गियर बस में एक ही बेल्ट लगता है, दो बेल्ट नहीं आता है। मोटर चेंज किया, बेल्ट भी चेंज किया था। कितने साल पहले? तीन साल हो गए ना। हाँ तो ठीक है, इसका भी ज्यादा लाइफ नहीं रहता बेल्ट का। पानी जा रहा है, देखो पानी रिटर्न में आता है, वो पानी जो बोल रहे हो ना यहाँ से पानी आता है, वो देखो पानी का प्रेशर वहाँ पे कम होने की वजह से क्या रिटर्न आएगा पानी, वो वहाँ से पाइप टेढ़ा हो गया, पाइप टेढ़ा प्लस या तो उसमें कचरा रहेगा, आपको जो पाइप है ना, जो ड्रेनेज का जो पाइप है उसमें उसमें हाँ उसमें कचरा की वजह से भी वो रिटर्न आएगा। नहीं मगर इसमें लीकेज नहीं है, कहीं पे लीकेज नहीं है, यहाँ पे रिटर्न करता है जैसे एयर कंडीशन में करता है, रिटर्न आ रहे थे इधर से तो नहीं, नलके से तो नहीं आ रहा, नहीं नल का भी नहीं, नल भी बराबर है, बराबर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो रिटर्न आउटलेट वो जो अंदर बनाया है जो अंदर वो रिटर्न का वो केवल पानी प्रेशर से जाते हैं ना, तो प्रेशर तो छोड़ने के बाद अगर वो ब्लॉकेज होएगा, अगर नहीं जाएगा तो भी होएगा। पानी का सप्लाई तो बरोबर आ रहा है ना अंदर, पाइप टेढ़ा तो नहीं है, पाइप टेढ़ा है ना, ओके टेढ़ा तो है और जगह छोटा है, मेरी बात तो जगह की वजह से वो पाइप थोड़ा टेढ़ा हो गया, इससे पाइप एकदम प्रॉपर स्ट्रेट रहना चाहिए था, लेकिन इसने ध्यान में नहीं आया उसको कि पाइप का इधर मशीन का पाइप इधर है, थोड़ा ये बाजू करो, एक है पाइप आपका सी टाइप रहता था, सी टाइप जैसे कि कैसा था सी टाइप, उस सीट पर कनेक्ट करके उसमें सीधा जाना करता, तभी वो बेंड नहीं होता था, पाइप आपका क्या है जो मुंह है पाइप का वो सीधा है, तभी हो सकता है इसमें कुछ इसमें कुछ नहीं हो सकता है, थोड़ा उधर करो नहीं तो मशीन और इस साइड करो तो। ओके हो चुका है।